ऑन ओथ कह रहा हूं ये बात, दयानतदारी से कह रहा हूं, मेरे पास सारे सबूत हैं, मेरे पास नाम है, मैंने ऑन ओथ कहा है मैं नाम लूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नून लीग के सीनियर रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ की हैरान कर देने वाली गुफ्तगू। मियां जावेद लतीफ़ ने आज लाइव प्रोग्राम के दौरान बड़े राज से पर्दा उठा दिया। सीनियर एंकर काशिफ अब्बास भी मियां जावेद का बयान सुनकर शॉक नजर आए। आइए पहले इनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। लेकिन आप, मुझे लगता है वो बयान ये नहीं कि मेरे कहने पे दे, लेकिन जाहिर है आपकी जमात को सूट नहीं करता, आपकी हुकूमत को सूट नहीं करता, जहाँ कि आप कहते हैं कि जनाब सीटा से साढ़े को 15-16 सन या 20 सन और सानू सीटा वधा के दीतियां गई ने। मुझे पता आपको सूट नहीं करता, इसलिए आप नहीं देंगे, देना भी नहीं चाहिए सियासतदान के तौर पर, पाकिस्तानी सियासतदान के तौर। यार काशिफ अब्बासी साहब, एक तो अगर आपकी ये ख्वाहिश है कि जावेद हाशमी की तरह मैं जमात छोड़ के चला, मगर जो अगर सच पूरा बोल दोगे ना तो काट देता जाएगा, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुसी सच बोलो। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मैंने शुरू में काशिफ अब्बासी साहब ये कहा था कि पिक एंड चूज हुआ है, मैंने शुरू में ये बात कही थी और कहता आ रहा हूं कि सहूलतकारी उनको आज भी मयसर है। मैं उस वक्त भी कहता था, मैं दोबारा दोहरा देता हूं कि इलेक्शन में भी सहूलतकारी थी। 40 साल सजा हो गई उसको, इज्जत पे सजा दे दी, हर केस जो आप चाहते हैं उसके ऊपर सजा दे दी। अच्छा मेरे भाई, सहूलतकारी क्या होती है, सहूलतकारी इसको कहते हैं। अच्छा मेरे भाई, मेरी अर्ज सुन लें, मैं सहूलतकारी कहता हूं वो 40 साल की सजा जो है कि किस तरह 40 मिनटों में वो सजाएं खत्म हो रही हैं। मैं इसलिए ये बात सहूलतकारी कह रहा हूं कि उस वक्त सूट करता था। 40 मिनटों में खत्म हुई, मेरी अर्ज तो सुन ले। मैं आपसे पूछूंगा, मैं अगर कहूं कि मियां साहब की सजा कैसे लंदन से आए, पेशी हुई, दूसरी में खत्म, आप कहेंगे जनाब कि इसलिए ऐसा था, उसके बाद ही आप कहते हैं सहूलतकारी नहीं। फिर आप ये कहेंगे कि नवाज शरीफ की सजा लंदन से वापस आके फौरी खत्म हुई थी 7 साल बाद, फिर आपको ये कहना पड़ेगा कि इमरान खान की सजा खत्म हुई है 2 माह के बाद, फिर आपको ये हकायक जरूर बताने पड़ेंगे। 2020 में चले गए थे, 2020 में साहब जी, मियां साहब 2020 में चले गए, सजा 5 साल पहले हुई थी कि नहीं, 18 में जेल गए सर, जब तक खुद नहीं आते, 17 में नाहल करके, मेरे भाई सर नाहली सजा नहीं, सजा ही थी यार, प्राइम मिनिस्टरशिप से उतार दी आपने, वो सजा नहीं है। चले मैं ये कह रहा हूँ नाइली सजा नहीं है, वो तो खैर जाहिर है, वो किसी कोर्ट ने उनको सजा तो नहीं सुनाई जिसको आप हाई कोर्ट में अपील करेंगे, वो तो एक सो मोटो था। आपकी बात दुरुस्त है, मैं इसे इख्तलाफ नहीं करता हूँ, कभी नहीं किया। हाँ अच्छी बात है, लेकिन चले आगे चलते हैं। मैं एक और कहता हूँ कि मैं ये आपको कह रहा हूँ कि देखें भाई, उस वक्त सजाएं देना सहूलतकारी थी, आज सजाएं माफ करना जो है सहूलतकारी है। क्यों आज वो अनाउंस कर रहे हैं तहरीक का, उस वक्त वो इलेक्शन में जा रहे थे, उस वक्त हमदर्दी का वोट चाहिए था, आज उनके वर्कर को सपोर्ट चाहिए कि वो बाहर आ रहा है। आप ये देखें यार काशिफ अब्बासी साहब, कि सहूलतकारी इसको नहीं कहते कि जो जमातें आज बलूचिस्तान में इकट्ठी होकर तहरीक का अनाउंस कर रही हैं, उनमें से कुछ जमातें तो ऐसी हैं जिनको तहफजात हैं, जिनके ग्रीवेंसेस जो हैं वो जायज हैं, जिनकी शिकायत जायज है। मियां साहब, ये आपके, ये मियां साहब के दोस्त थे सारे, ये मियां साहब के साथ खड़े थे, अचकज़ई साहब, आपको याद है ना धरने के दौरान बाकी मामलात पर किस तरह खड़े रहे, मैं आज महमूद खान अचकज़ई, मैं दूसरे नेशनलिस्ट मौलाना फजल, ये आपके खिलाफ क्यों गए सारे? नहीं काशिफ साहब, मैं बात ये कर रहा हूं, मैंने खुद यही बात कही है कि उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके तहफजात शिकायत जायज हैं, उनको ड्रेस होना चाहिए। मैंने ये कहा है पहले, आपके सवाल से पहले भी कहा है, हमारे दोस्त थे उस वक्त भी, उनकी शिकायत जायज थी, आज भी उनकी शिकायत जायज हैं। एक उनमें से तबका ऐसा है जो आज जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि काशिफ अब्बासी साहब, मुल्क के अंदर इंतशार बढ़ता जाए, ये एक आलमी एजेंडे में कुछ रियासतों की ख्वाहिश है, कुछ ताकतवर हलकों की ख्वाहिश है, उस ख्वाहिश को कुछ तबका पूरा करने जा रहा है अपने अमल से। आप ये देखें कि क्या, अगर तो आप चाहते हैं, जो आपने सवाल शुरू में किया था कि इलेक्शन में धांधली हुई है, भाई अगर हमारी सीटें कम थी, जो कि कम थी, हम हुकूमत बनाने की हम पोजीशन में नहीं थे, हमारे से ज्यादा अक्सरियत जो पीटीआई के हिमायत याफ्ता थे उनकी ज्यादा थी, उनको हुकूमत बनाने का मौका मिलना चाहिए। आज भी कह रहे, एक सेकंड के लिए काशिफ, एक सेकंड के लिए सर,
एक सेकंड के लिए ना हमारी प्लीज कम थी, प्लीज मेरी तो आप बात, कहते हैं जितनी है मेरी बात माफी ऐसा सुन ले, मेरी बात अगर मेरी बात सुन ले, मेरी बात मुकलम कर ले जी। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि जितनी हमारी सीटें हैं इंतखाबात के नतायज में हमें दी गई मिली, उनसे हम हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है। जितनी उनको दी गई दलवा दी गई वो अददी बरतरी उनको है, वो जो हैं वो आज भी हुकूमत इसी असेंबली में बनाना चाहते हैं तो बिस्मिल्ला। अगर नए इंतखाबात की बात करते हैं, जो मैंने इंतशार की बात की है, मुल्क को इंतशार से बचाने के लिए अगर वो नए इंतखाबात की बात करते हैं तो रूल ऑफ गेम असेंबली में तय करें ताकि दोबारा उंगली ना उठ सके, नए इंतखाबात बिस्मिल्ला। माशाल्लाह, ये आप, ये मुस्लिम लीग नून की पोजीशन है सर, ये आपकी जाती पोजीशन है, ये मियां साहब की पोजीशन? मैं ये कह रहा हूं कि रूल ऑफ गेम तय करें, अगर नए इंतखाबात करवाने के लिए आप बजिद हैं मुल्क के अंदर इंतशार से बचाने के लिए तो रूल ऑफ गेम तय करके तमाम जमातों को इकट्ठा करके आप आए बिस्मिल्लाह हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। ये मियां नवाज शरीफ की पोजीशन भी यही है? भाई मैं तो अपनी बात कर रहा हूं और मैं यकीन आप कह दें तुहाडी गल को मन्ने ना, शबाज शरीफ कहें जवेद लतीफ साहब का की लेना देना इस सारी गुफ्तगू से? ये तो अच्छा, पार्टी का फैसला। काशव वासी साहब, मुझे तो अपनी जात से मैं बात कर रहा हूं और जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूं अपनी जात के हवाले से, मेरी राय मैं अपनी दे रहा हूं, उस वक्त भी दे रहा था आज भी दे रहा हूं कि ये एक साजिश के तहत हुआ था और उसमें जो जो किरदार थे और जिनका आज जनरल फैज साहब नाम लेते हैं कि उस वक्त के आर्मी चीफ या उस वक्त के DGISI सबको कटहरे में लाना चाहिए, उसके बगैर पाकिस्तान का आगे चलना मुश्किल से मुश्किल तर होता जाएगा। ये बात गलत है कि आप ये बात इसी तरह समेट के जिस तरह महमूदुर्रहमान कमीशन को आपने किताब को बंद कर दिया, आप इन किताबों को भी या इस तारीख को भी बंद करना चाहते हैं, तो इस तरह काम नहीं चल सकता। तो क्या मियां साहब एक बात बताएं, क्या मियां शहबाज शरीफ गलत कह रहे? मुझे खाकान अब्बासी गलत कह रहे हैं? देखें मुझे एहसन इकबाल गलत कह रहे हैं? आपके आज भी सेक्रेटरी जनरल है, आपकी पार्टी का सदर है, काशिफ, ये सारे गलत कह रहे हैं? ये सियासी मफाद के तहत या सियासी मजबूरी के तहत इस वक्त उन्होंने पोजीशन बदल ली है, आप इसको क्या कहेंगे? आपने नहीं बदली अपनी पोजीशन। मैं काशिफ अब्बासी साहब, मेरी तो ये मजाल भी नहीं कि मैं काशिफ अब्बासी साहब से कहूं कि आप गलत कह रहे हैं, मैं तो इतनी हिम्मत नहीं रखता, मगर मैं इतनी हिम्मत जरूर रखता हूं कि जो हकीकत है उसको कह सकूं, मैं कह रहा हूं। तो इन्होंने हकीकत बयान नहीं की, शहबाज शरीफ साहब ने झूठ बोला? नहीं, मैं ये नहीं कहता, मैं अपनी बात कर रहा हूं, जो मैं महसूस करता हूं वो कह रहा हूं। वो लोग ये महसूस नहीं कर रहे मियां जावेद लतीफ साहब? नहीं काशिफ, फिर मेरा ख्याल है कि जितना मैंने कहना था ये काफी है। नहीं सर, काफी इसलिए नहीं है मियां साहब क्योंकि आप इलेक्शन आर्गुमेंट, मैं बड़ी ब्लंट एक बात करने लगा, उसको माइंड ना कीजिएगा। हम आपके साथ बात करते हैं सारी, आप हर मीडिया पे जा रहे हैं, बहुत से लोगों का कहना है जब आप बयान देते हैं वो कहते हैं जनाब इलेक्शन आर्गुमेंट है, इसलिए कह रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी है, जावेद लतीफ का शुमार नून लीग में एक सीनियर और एक अहम रहनुमा के हैसियत से किया जाता है, लेकिन इस बार इलेक्शन में बुरी तरह शिकस्त के बाद इनकी पार्टी ने कोई लिफ्ट नहीं कराई, ना तो इन्हें वफाकी काबीना का हिस्सा बनाया गया और ना ही सूबाई वजारत की सुलह मारी गई, हत्या इनसे किसी हवाले से भी मशवरा नहीं किया गया, जिसका इकरार ये अपने गुज़श्ता इंटरव्यूज में कर चुके हैं। आज ये इमरान खान की हमायत करने पर मजबूर हैं क्योंकि ये अच्छी तरह जानते हैं कि अगर इन्हें सियासत में रहना है तो खान साहब की हमायत करना होगी, इसलिए कि लोग इमरान खान से मोहब्बत करते हैं और इनकी वजह से अवाम मियां जावेद लतीफ को भी बेहतर तस्लीम करने लगेगी। लिहाजा आप नाज़रीन की आज की इस गुफ्तगू के बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।